तो चलिए देखिए, देखती हैं आपको दिखाती हूँ मैं आज एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको अगर दिख रही होगी, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी हुई है ना रात को, और देखिए ओस की बूंदे हैं जो वो, ये देखिए इसके ऊपर कैसी अच्छी दिख रही है ना, देखिए कितनी ब्यूटीफुल लगती है देखने में। ये देखिए, देख सकते हैं आप, और यहाँ पे पत्ते पे भी हैं थोड़ी सी। इसमें ना साल में बीच में कभी कभी हमेशा ही फूल खिलते रहते हैं बीच बीच में, और बहुत ही सुंदर लगते हैं ऑरेंज कलर के रोजेस। ये देखिए, और वहाँ पे पेड़ पे छोटी सी चिड़िया बैठी है, ये देखिए छोटी सी चिड़िया। ये ब्यूल का पेड़ है, हाथ मेरा हिल रहा है वहाँ को बार बार, यहाँ पे बैठी है इधर, ये देखिए उड़ गई अब। और थोड़ा सा आपको मैं आगे, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मीना कवर हिमाचली स्पेशल पे। तो गाइज, आज है सैटरडे, शनिवार है, और शनिवार का जो व्लॉग है वो अभी मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ मैं। सबसे पहले देखिए गांव की जो खूबसूरती है, देखिए पक्षी कितने अच्छे लग रहे हैं चहचहाते हुए, आपको सुन रही होगी आवाज़। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहती थी नेचर से रिलेटेड। देखिए सुबह सुबह से ना हमारे यहाँ पे बहुत सारे पक्षी होते हैं आए हुए, और बहुत ही अच्छी लगती है इनकी आवाज़ें। और ये देख सकते हैं आप, सुबह का क्लीनिंग का काम हो चुका है, और साथ में चूल्हे में आग जली हुई है, यहाँ पे चढ़ा दी है मैंने दाल, और अंदर भी आग जलाई हुई है, अंदर बनाऊंगी मैं चपाती। और मेरे आए हुए हैं घर में गेस्ट, तो आजकल व्लॉग जो है पता नहीं मेरा टाइम पे आएगा कि नहीं आएगा, कुछ बोल नहीं सकती। और प्लीज़ आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। और आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो मेरी तरफ़ से सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत सारी। और हमारे देखिए ये यहाँ पे ये वाला रोज़ जो है ना ऑरेंज कलर वाला, देखिए इसमें भी खिल गए हैं। और मुझसे ना काफ़ी कह रहे हैं सब्सक्राइबर जो है मेरे कि आप ना अपनी पहाड़ी भाषा में क्यों नहीं बोलते हो, तो पहाड़ी भाषा में बोलते तो है ना, पता क्या है, क्योंकि शुरू से ही ना हमारे साथ हमारे जो मम्मी पापा भी थे ना, उन्होंने भी मतलब ऐसे ही बात करी है, हिंदी में ही बात करते थे, पहाड़ी में बहुत कम बात करते थे। तो इतनी जो प्योर पहाड़ी है ना हमारी यहाँ की, वो आती नहीं है मुझे। और कोशिश करूँगी मैं कभी कि एक पूरा व्लॉग ना मैं पहाड़ी में बनाऊँ, जैसी भी आती है मुझे टूटी फूटी हुई। तो थोड़ी बहुत हम बोलते हैं घर में यहाँ पर, लेकिन उसमें भी ना हिंदी की वर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो मौसम बताती हूँ आपको, आज का मौसम देखिए, आज बादल हैं छाए हुए, और कल भी ऐसे ही था ना, सुबह पहले बादल थे और उसके बाद फिर धूप लग गई थी, दिन में अच्छा था मौसम, और दिन में ना ऐसी छुटपुट बूंदाबांदी हुई थी, थोड़ी सी बारिश, बाकी ऐसे भारी बारिश नहीं हुई थी। दो दिन हो गए अब तो, दो तीन दिन। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना पक्षी, आपको दिखाती हूँ मैं थोड़ा सा। और छोटा सा एक मैं एनवायरनमेंट डे पे गाना गुनगुना के सुनाऊंगी आपको, एक लाइन, मुझे ना भूल चुका है, पहले हम गाते थे ये, और जब छोटे थे ना तो स्कूल में सीखा था, अब भूल गए हैं। तो चलिए आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और जो ब्लॉग है ना वो अभी ये छोटा सा है, और जो मेरा डेली जो ब्लॉग है ना वो दिन में आएगा 1 बजे के बाद, तो उसमें भी आप ढेर सारा प्यार दीजिएगा। ये सिर्फ मैं आज, क्योंकि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो इसके लिए मैं थोड़ा छोटा सा एक ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ अभी। तो पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन, पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन, पेड़ों की रखवाली हो, पेड़ों की रखवाली हो, पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन, पेड़ है सांसे, पेड़ है जीवन। तो
चलिए आज के दिन वैसे पेड़ पौधे और मुझे लगाने हैं, मैं जब उसका व्लॉग बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने जो लगाए थे ना गौ, उसमें मैंने खीरे के नहीं लगाए थे और एक दो और भी थे, वो भी लगाऊंगी अभी। तो बारिश हुई है ना तो नमी अच्छी हुई है मिट्टी में, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ब्लॉग जब शूट करूँगी उसका, तो वो शायद कल परसों तक आएगा। तो क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि एक दिन में बहुत सारा काम होता है करने को, और चलिए साथ में मैं चूल्हे में आँच भी आगे कर देती हूँ। इसमें ये होती है ना दिक्कत चूल्हे में, ऐसे तो सब कुछ अच्छा होता है, खाना बहुत टेस्टी बनता है चूल्हे का, लेकिन ये है कि आप कुछ और काम कर रहे हो ना तो आपको बार बार यहाँ पे आना पड़ेगा चूल्हे में आँच आगे करने के लिए। लेकिन ये फ़ायदा भी होता है कि अगर आप कोई चीज़ चढ़ा के भूल जाओ चूल्हे पर तो वो जलती नहीं है, क्योंकि फिर जब लकड़ियाँ जल के वापस पीछे आ जाती है ना तो वहाँ पे फिर आँच लगनी बंद हो जाती है। गैस पे मैं कई बारी हो गया इस तरह से कि जो पतीले भी है ना वो भी चटक जाते हैं, गैस पे उबल जाती है चीज़ें। और मुझे ना बहुत सारी रिक्वेस्टें आ रही हैं कि आपका चूल्हा जो है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, तो इसका भी आप किस तरह से आपने बनाया है हमारे साथ व्लॉग शेयर कीजिए। तो मैं ना जल्दी ही बनाऊंगी उसका व्लॉग भी, क्योंकि जिस चीज़ के ऊपर ये बना है ना बेस जो होता है ना इसका, वो अभी मेरे पास नहीं है तो वो मुझे ना मंगवाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि स्पेशल ख़रीद के मंगवाना पड़ेगा, वो वेस्ट ही होता है, लेकिन अभी है नहीं घर में, लेकिन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब भी बनाऊँगी चूल्हा ऐसा। और तो और भी हैं जिन्होंने कहा है कोई होम टूर कराने के लिए, तो सारी की सारी जो रिक्वेस्ट है ना मैं धीरे धीरे पूरी करूँगी। और बाकी परिवार से मिलाने का कह रहे हैं कई, तो चलिए उसको भी मैं देखूँगी जो जो मिलेंगे, क्योंकि हमारे घर में कैमरा कॉन्शियस हैं और आएंगे नहीं कोई कैमरा के सामने इतने, सिर्फ बच्चे ही रहते हैं मेरे यहाँ पर, और जो कोई भी आएगा तो उनसे मिलाऊँगी आपको। और बाकी चलिए दिखाती हूँ मॉर्निंग का आपको ब्यूटीफुल सा व्यू हमारे गाँव का। तो गाइज़ ये जो है ये पिछले कल का मॉर्निंग का व्यू है, मैं बावड़ी के पास गई थी पानी लेने के लिए, वहाँ पे मैंने ये एक छोटा सा आपको आपके लिए कैप्चर किया था, क्योंकि देखिए पहाड़ जो हैं और यहाँ की खूबसूरती है वो सब देखना आप लोग पसंद करते हैं, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये व्यू लिया था। तो आई होप कि आपको अच्छा लगे, हमारी बावड़ी के पास का व्यू है ये। और गाइज़ जो कोई भी मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो, और मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए देखिए हमारी आजकल ना बहुत ग्रीनरी बहुत सुंदर लगती है सुबह सुबह से देखने को। तो जितने में मैं आपको व्यू दिखा रही थी ना उतने में आग जो है वो बुझ गई थी, थोड़ी पीछे आ गई थी, और अभी मैंने फिर से कर दी हैं लकड़ियाँ आगे कर दी हैं यहाँ पे देखिए। और बस जो ब्लॉग है मेरा अभी सुबह आपको छोटा सा मैं अपडेट देना चाहती थी वो इतना ही है, और जो मेरा डेली व्लॉग है वो आएगा दिन में 1 बजे के बाद, तो उसमें भी ढेर सारा सपोर्ट दिखाइएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और चलिए मैं कर लेती हूँ काम बाकी का, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, दिन का लंच भी बनाना है, तो बाय।